महाराष्ट्र और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर तथा उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में अभूतपूर्व परिणाम आने पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला एवं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस अवसर पर भाजपा महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, देवेश श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, शशिकांत सिंह, ब्रजेश राम त्रिपाठी, अच्युत आनंद शाही, ब्रजेश मणि मिश्र, पार्षद छठी लाल गुप्ता, सत्येंद्र मिश्र, इंद्रमणि उपाध्यक्ष, हिमांशु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पद के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ शुक्ला जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के जो नतीजे और रुझान दोनों मिलाकर के ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सेना को अपना पूर्ण बहुमत बनाने का सरकार का मैंडेट दिया है। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से महाराष्ट्र की सामान्य जनता को बधाई देते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जो हरियाणा में भी यह इतिहास गवाह है कि यानी दोबारा दूसरी बार किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और मोदी जी का जो पराक्रम है और जिस प्रकार जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उनके कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं को जिस प्रकार से उसका आमने-सामने पहचाने का काम किया, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम जो मोदी जी और उनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकार है वह गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसलिए आज जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवसेना के गठबंधन के साथ सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में भी कुछ सीटों से अभी हम पीछे हैं लेकिन मतगणना का कार्य जारी है। निश्चित तौर पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही वहाँ पर हरियाणा में भी सरकार बनेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जो हमारा रिजल्ट आया है, 3 सीटें तो विपक्ष के पास थी, उसके बावजूद जिस प्रकार से जो निर्णय आ रहे हैं और जिस प्रकार से स्पष्ट मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूज्य योगी जी ने जिस प्रकार से 2.5 वर्ष के कार्यकाल, 30 महीने के कार्यकाल को लेकर के हम यदि चर्चा करें तो एक इतिहास गवाह है इस बात का कि ढाई वर्षों में किसी सरकार ने इतने कार्य नहीं किए थे जितने पूज्य योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने कार्य किए हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। निश्चित तौर पे आज हम सभी प्रफुल्लित हैं और सुलाहित हैं और यहाँ पे मिठाई मिष्ठान वितरण करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने जश्न मनाया है। और साथ ही साथ एक बार मैं पुनः हरियाणा के साथ साथ वहाँ पर जो महाराष्ट्र की सम्मानित जनता को और उत्तर प्रदेश जो हमारी जनता है जहाँ उपचुनाव हुए हैं उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज सभी हम निश्चित तौर पर इस बात के लिए आशान्वित हैं कि आगे आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी को और मजबूत करने का कार्य होगा और भारत विश्व गुरु बन करके उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।